गाइस वेलकम टू इनहाउस एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस हमारी बहुत ही बेहतरीन क्लास में, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया के पहले पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अराइवल ऑफ महात्मा गांधी हमने बताया था, फिर हमने बात करी थी कि महात्मा गांधी का चंपारण का मूवमेंट, महात्मा गांधी का खेड़ा का मूवमेंट, महात्मा गांधी का अहमदाबाद मिल वर्कर्स का मूवमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम इसके आगे का पार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना पूरा ध्यान बोर्ड पर रखिएगा, नोटबुक निकाल लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा और बिल्कुल भी माइंड डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिएगा, हमारा टॉपिक जो कि है रॉलेट एक्ट। हो गाइस, आपने ये टॉपिक का नाम सुना है अपनी एनसीईआरटी के अंदर, रॉलेट एक्ट। आज हम इस रॉलेट एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर सर क्या है ये रॉलेट एक्ट, आखिर क्या था ये कानून रॉलेट एक्ट, किस लिए बनाया गया था ये कानून रॉलेट एक्ट, ब्रिटिशर्स को क्या नीड पड़ी थी रॉलेट एक्ट बनाने की। ये तमाम टॉपिक्स हम आज की हमारे इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज आप प्लीज ध्यान रखिएगा और कॉन्टिन्यूसली बोर्ड पर देखते रहिएगा। तो देखिए फर्स्ट वाली लाइन ध्यान से देखिएगा, हमारी पहली लाइन क्या कहती है, व्हेन द रॉलेट एक्ट 1919। अब देखिए कई बार इसी टॉपिक में से आपके पैसेज भी आ जाते हैं, एक वर्ड यहां पर पकड़ो 1919, आखिर क्या है ये 1919, रॉलेट एक्ट 1919 के अंदर बनाया गया था। तो कई बार एग्जाम के अंदर पूरा का पूरा नाम आता है इसका, रॉलेट एक्ट 1919। तो आपको ध्यान में रखना है, एमसीक्यूज के अंदर भी ये ईयर कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि रॉलेट एक्ट कौन सी ईयर में आया था। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में, क्या था ये कानून। ये जो रॉलेट एक्ट था ना, इसको बनाने वाले ब्रिटिशर्स थे। कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली ने रॉलेट एक्ट को बनाया था। अब ये जो कानून है, इसने हम इंडियंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, बहुत ही ज्यादा हमको हार्म किया, और इसी का रिजल्ट है हमारे देश के अंदर जलियांवाला बाग मैस्करे हो गया था। अगर मैं हिंदी में कहूं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे देश में हो गया था। तो ये जो रॉलेट एक्ट है, इस रॉलेट एक्ट के तहत जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक प्रकार से एक ऐसा कानून बना दिया जिसके तहत हमारी जो आजादी थी, क्या हमारी जो आजादी थी, हमारी जो फ्रीडम थी, वो ब्रिटिशर्स ने छीन ली। समझ में आ रही है दोस्तों, हमारी जो आजादी थी, हमारी जो फ्रीडम थी, ब्रिटिशर्स ने इस फ्रीडम को और इस आजादी को छीन लिया था। किसके तहत छीन लिया था? रॉलेट एक्ट के तहत छीन लिया था। आपको समझने वाली बात है कि सर आपने रॉलेट एक्ट के बारे में बताया कि हमारी आजादी छीन ली थी, तो आखिर क्या है इस एक्ट में। देखो मैं आपको बताता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कानून है निवारक नजरबंदी। अब ये जो कानून है निवारक नजरबंदी, इसके बारे में होप यू आप गाइस 11th एंड 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डाउट। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, ऑन द बेसिस ऑफ डाउट आपको गिरफ्तार कर लिया जाता था, यानी कि शक के आधार पर अंग्रेज गिरफ्तार कर सकते थे इंडियंस को, भारतीयों को। क्या क्या था इस कानून में? इस कानून की सबसे बड़ी बात यह थी कि आप गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ब्रिटिशर्स को आप पर शक है कि आप कुछ करने वाले हैं, आपने कुछ किया नहीं है, आप कुछ करने वाले हैं, इस करने वाले के आधार पर, यानी कि सिर्फ डाउट के बेस पर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक ऐसा कानून, यानी कि मैंने अभी तक कोई क्राइम किया नहीं है, लेकिन जैसे ये कानून बन गया तो सिर्फ और सिर्फ डाउट के बेस पर मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। और तो और अरेस्ट तो किया ही जाएगा, साथ में मेरे को 2 ईयर्स के लिए, कितने सालों के लिए दोस्तों? 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। 2 सालों तक मेरे पास कोई भी राइट नहीं होगा अपना एडवोकेट करने का, अपना वकील करने का, यानी कि कोर्ट मेरे केस की सुनवाई नहीं करेगा। इन 2 सालों में कोई भी टॉर्चर मेरे साथ हो सकता है, इस प्रकार का कानून बनाया गया था। समझ में आ रही है बस? अब ये जो 1919 के अंदर जो एक्ट जो बनाया गया है, जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा क्या क्या यहां पर बोला गया है इस कानून के बारे में। When the Rowlatt Act 1919 was passed hurriedly,
वास्पाश हरिडली, यहां पर एक वर्ड आप समझिएगा हरिडली, हरिडली का यहां पर मतलब है बहुत ही जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दबाजी में यह कानून बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा यह कानून बनाया गया था और बहुत जल्दबाजी में बनाया गया था। आज हमारे देश में कोई भी कानून, कोई भी लॉ अगर बनता है तो क्या होता है, उस पर डिस्कशंस होती है, काफी लंबे समय तक डिस्कशंस होती हैं, उसके बाद में उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं, देन वो लॉ बनता है या नहीं बनता है। बट ये काफी जल्दबाजी में ये लॉ बनाया गया, रॉलेट एक्ट को बनाया गया, काफी हरिडली उसको पास किया गया। किसने किया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां से एमसीक्यू का आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि रॉलेट एक्ट किसने पास किया, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रॉलेट एक्ट को पास किया? तो हम ध्यान दीजिएगा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। होप यू गाइस यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। काउंसिल इंस्पायर्ड बाय द अनेमेज ऑपोजिशन द इंडियन मेंबर्स ऑफ द गांधीजी पेशेंस कमिंग टू द एंड। अब यहां से 1919 का ये जो एक्ट था, यहां से रॉलेट एक्ट के बाद से कॉन्टिन्यूसली हमारे कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। क्या स्टार्ट हो गए थे? कॉन्टिन्यूसली प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, लगातार आंदोलन शुरू हो गए थे रॉलेट एक्ट के बाद ही। आखिर ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एक ऐसा एक्ट जो आपको गैदरिंग नहीं करने दे रहा है, एक ऐसा एक्ट जो आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रोक लगा रहा है, एक ऐसा एक्ट जो ऑन द बेसिस ऑफ डाउट आपको अरेस्ट कर लेता है, तो कुल मिला के हमारे भारतीय, हमारे इंडियंस काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे इस एक्ट से। और ब्रिटिशर्स का क्या मकसद था ये एक्ट लगाने का? ब्रिटिशर्स का ये मकसद था कि जब भी इंडियंस एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, गैदरिंग करते हैं, रैलीज करते हैं, उसके बाद से क्या हो जाता है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोगों की गैदरिंग पर ही रोक लगा देते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट को बना दिया, सीधा गैदरिंग पर ही रोक लगाया, ऑन द बेसिस ऑफ डाउट डायरेक्ट हमको अरेस्ट करने का एक एक्ट बना दिया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। गांधी जी वॉन्टेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस। अब ये बहुत जरूरी टर्म हमारे सामने आया है, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट। अगर आपको मेरी लास्ट क्लास याद है, जिन जिन बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास देखी है, पार्ट वन हमने नेशनलिज्म और इंडिया का बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था एक वर्ड नॉन वायलेंट, जिसको हम हिंदी में अहिंसा भी कहते हैं। अब ये जो नॉन वायलेंट जो वर्ड है, इसका मतलब किसी भी प्रकार का वायलेंस ना फैलाना। महात्मा गांधी के टू वेपन्स यहां पर हैं। फर्स्ट क्या है आपको याद होगा, वेरी गुड, फर्स्ट है ट्रुथ एंड सेकेंड इज नॉन वायलेंस। तो दो वेपन महात्मा गांधी के यहां पर थे। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, सत्याग्रह शुरू किया, और ये जो सत्याग्रह था, इसको नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस नाम से एक मूवमेंट चलाया गया था। द टर्म इज सिविल डिसोबीडियंस, ये एक मूवमेंट का नाम है, सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस, इसको तोड़ के पढ़िएगा, सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अगर हमारे सामने अंग्रेज या ब्रिटिशर्स हमारे सामने किसी भी तरीके से कोई भी हुकुम अगर हमें देते हैं, कोई ऑर्डर हमें देते हैं, तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ओबीडियंस आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, ओबीडियंस यानी कि किसी आज्ञा को मानना, और डिसओबीडियंस इसका मतलब होता है किसी भी आज्ञा को ना मानना, यानी किसी ऑर्डर को ना मानना। तो महात्मा गांधी ने यहां पर क्या बोला, हम नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, यानी कि उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, हमने बदले में उनको मारना नहीं है, हमने अटैक नहीं करना ब्रिटिशर्स पर, बस हम शांति यानी कि पीसफुल तरीके से नॉन वायलेंस करेंगे। आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है, डिफाइन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें हमें बिना वायलेंस किए हमें ऑबिडियंस यानी कि ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है। आगे चलते हैं। अगेंस्ट सच द अनजस्ट लॉ विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में हमारी पहली हड़ताल हुई थी, यानी कि स्ट्राइक हुई थी, जो कि कब हुई थी, 6 अप्रैल को हुई थी। आपको समझ में आया दोस्तों, पहली हड़ताल रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में कब हुई थी, 6 अप्रैल को हुई थी।
ठीक है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है रॉलेट एक्ट को लेकर के, सबसे पहली बार स्ट्राइक कब हुई, तो ऑन 6 अप्रैल रॉलेट एक्ट को लेकर के सबसे पहली बार प्रोटेस्ट किया गया था। किसके लीडरशिप में किया गया था? हमारे हीरो एज यूजुअल महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में यह प्रोटेस्ट किया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं 1919 द कंट्री विटनेस अ रिमार्केबल पॉलिटिकल अवेकिंग इन द इंडिया। 1919 बहुत ही गोल्डन ईयर था हमारे लिए। 1919 में कॉन्टिन्यूसली पहले महात्मा गांधी जी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब 1990 के अंदर हमारे देश के काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके थे। दोस्तों यहां तक समझ आया? 1919 एक बहुत ही गोल्डन ईयर था। क्यों? क्योंकि उसको हम पॉलिटिकल अवेकिंग इन इंडिया के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर को पॉलिटिकल अवेकिंग इन इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो 1919 एक ऐसा ईयर था जिसको हम पॉलिटिकल अवेकिंग इन इंडिया के नाम से जाना जाते। क्यों? क्योंकि इस टाइम बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमारे देश के अंदर हुई थी, बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इस टाइम पर हमारे देश के अंदर चल रही थी। समझ में आया दोस्तों आपको? अगला पॉइंट हम देखते हैं, लोकल लीडर्स वर पिक अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। ध्यान से समझिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल लीडर्स काफी बड़े लेवल पर यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी ये पॉलिटिकल अवेकिंग इंडिया के नाम से ये 1919 का ईयर फेमस है। क्या हुआ था? बहुत सारे हमारे बड़े बड़े लीडर्स को इस टाइम पर अरेस्ट कर लिया गया था। कहां से अरेस्ट किया गया था, कहां से पिक किया गया था उनको? अमृतसर। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक सिटी की मैं बात कर रहा हूं, सिटी अमृतसर, जो कि पंजाब में है और जहां की सबसे फेमस चीज है गोल्डन टेम्पल। होप यू गाइस आपने इनका नाम सुना होगा, गोल्डन टेम्पल बहुत ही फेमस है अमृतसर के। तो ये जो अमृतसर है, यहां से हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, देखो रॉलेट एक्ट कैसे काम कर रहा है, ध्यान से समझना, रॉलेट एक्ट ने ऐसा काम किया, इनको सिर्फ डाउट के बेस पर अमृतसर से क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया गया था। और हमारे हीरो यहां पर जो महात्मा गांधी हैं, उनकी दिल्ली की एंट्री पर बैन लगा दिया गया था। कौन सी एंट्री पर बैन लगा दिया गया था? दिल्ली की एंट्री पर, कि महात्मा गांधी दिल्ली में एंटर नहीं हो सकते, बिकॉज दिल्ली वाज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया दैट टाइम, और आज भी है। दिल्ली से ही अंग्रेज पूरा का पूरा एडमिन कंट्रोल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रहे थे। तो महात्मा गांधी की दिल्ली एंट्री के ऊपर यहां पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद 6 अप्रैल से लेकर के जस्ट 4 दिन बाद, यानी कि कब, 10 अप्रैल, जस्ट 4 दिन बाद, 10th अप्रैल, द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन द पीसफुल प्रोसेशन एंड द प्रोवोकिंग। यानी कि 10th अप्रैल को जो अमृतसर की पुलिस थी, उसने एक पीसफुल तरीके से एक रैली वहां से गुजर रही थी, उस पर फायरिंग कर दी थी, और कॉन्टिन्यूसली उस फायरिंग के बाद से अमृतसर से लेकर के गुजरात तक, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, एंड इंक्लूडिंग बंगाल ऑल्सो, ये जो है वेस्ट बंगाल जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वेस्ट बंगाल एंड पंजाब ने। सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट यहीं पर हुआ था। आपको दोस्तों समझ में आया? सबसे बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट बंगाल में और लाहौर में चल रहे थे, इंक्लूडिंग अमृतसर ऑल्सो। चलिए जी आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक रॉलेट एक्ट के बारे में जिक्र किया था, एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। एक ऐसा एक्ट जिसके तहत ऑन द बेसिस ऑफ डाउट आपको अरेस्ट कर लिया जाता था, 2 साल की इंप्रिजनमेंट थी, आपको अपना लॉयर करने का कोई भी राइट नहीं है, अपनी आवाज आप नहीं उठा सकते हैं। इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में 6 अप्रैल 10 अप्रैल 1919 को काफी बड़े लेवल पर हमारे देश के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे, स्ट्राइक्स हुए थे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट दिन और सबसे मैं यूं कहूं सैड टाइम हमारे इंडिया का, और ये जो दिन है इसने पूरे के पूरे हिंदुस्तान को, पूरे के पूरे इंडिया को हिला करके रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने सुना, और ये था जलियांवाला बाग मैस्करे। जलियांवाला बाग मैस्करे जो कि कब हुआ था, जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैस्करे यहां पर हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डे है हमारे
पॉलिटिकल के अंदर, और बहुत ही दुखद ये घटना हुई थी यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसकरे। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली क्या था। जलियांवाला बाग एक गार्डन है जो कि अमृतसर के अंदर है, चारों तरफ से इसकी काफ़ी बड़ी बाउंड्रीज की हुई हैं। इसका सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जहाँ से एंट्री और एग्जिट दोनों होते थे। इसी जलियांवाला बाग के अंदर एक कुआं भी था, ठीक है मेरे भाई। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, बैसाखी का वो दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी का। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर सिक्स बैसाखी। बैसाखी का ये दिन था। बैसाखी क्या होती है? एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें हमारे पंजाब के जो फार्मर्स है जब अपनी फसल काट लेते हैं तो पहली फसल गुरुद्वारे में जाकर के उसका चढ़ावा किया जाता है, और उसके रिगार्डिंग एक काफ़ी बड़ी गैदरिंग भी अमृतसर के अंदर होती है, एक मेला वहां पर लगता है। कुछ ऐसा ही मेला जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लगा हुआ था। लेकिन ध्यान में रखिएगा, इसी दिन 13 अप्रैल 1919 को जो मेला लगा हुआ था, साथ में मेले के साथ साथ ये कानून भी लगा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही, रॉलेट एक्ट। काफ़ी सारे इंडियंस को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, और उस टाइम पर जो जनरल ऑफ कमांडर थे आर्मी के ब्रिटिशर्स के, उनका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था दोस्तों? जनरल डायर। जनरल डायर उस समय अमृतसर के आर्मी कमांडर थे। जनरल डायर को जब ये चीज़ पता चली कि वैसाखी के दिन काफ़ी बड़े लेवल पर गैदरिंग की जा रही है, कहाँ की जा रही है? जलियांवाला बाग में की जा रही है, तो सुन के आँख बबूला हो गया वो, बिल्कुल गुस्से में आ गया कि मेरे कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटीज यहाँ पर हो रही हैं। देखते हैं। अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन इंक्लूज ग्राउंड ऑफ द जलियांवाला बाग, पीपल केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स रेप्रेसिव मेजर, वाइल सम केम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। एनुअल बैसाखी फेयर, साल में लगने वाला एक फेयर है ये। काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर गैदरिंग हुई थी। क्यों हुई थी? दो चीज़ें थी कि भाई मेले में काफ़ी सारे लोग तो आते ही हैं, इसी बहाने हम प्रोटेस्ट भी कर लेंगे, हम स्ट्राइक भी कर लेंगे कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से कैसे हमको बचना है, कैसे हमको निकलना है। समझ रहे हैं दोस्तों आप? बैसाखी, एनुअल बैसाखी फेयर था ये। जनरल डायर, देखिए नाम आ गया इनका, जनरल डायर एंटर्ड द एरिया। कहाँ पर? जलियांवाला बाग। जनरल डायर अपनी पूरी आर्मी के साथ इस सिचुएशन में वहां पर पहुंच जाते हैं। ब्लॉक्ड एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। जो मेन डोर था उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, वहां पर अपनी आर्मी को लगा दिया जाता है, चारों तरफ से बाउंड्री इसकी। आप समझ रहे हैं दोस्तों, चारों तरफ से बाउंड्री इसकी, और मेन डोर को ब्लॉक कर लिया जाता है जनरल डायर के द्वारा। और सभी के सभी आर्मी के जो मेंबर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनके हाथ में वेपन होते हैं। इंडियन के पास कोई वेपन नहीं थे, वो सिर्फ वहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हुए थे और मेले में गैदरिंग के लिए पहुंचे हुए थे। रॉलेट एक्ट का उल्लंघन करने के जुर्म में उनको सजा यहां पर दी जाती है, सीधा डेथ। जनरल डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स, ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग हंड्रेड्स। जनरल डायर सीधे एरिया के अंदर एंटर होते हैं और फायर करना शुरू कर देते हैं, डायरेक्ट फायर का ऑर्डर देते हैं। कई सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल वहां पर मौजूद होते हैं जो बैसाखी के फेयर में पहुंचे होते हैं। बिल्कुल उनके पास कोई हथियार नहीं होता, कोई वेपन नहीं होता। जनरल डायर वहां पहुंच जाते हैं और सीधा ऑर्डर देते हैं अपने सोल्जर्स को अटैक करने का। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रेप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलेट द टेररिस्ट ऑफ द पीपल। भाई सीधी सी बात है, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी वो लोगों के अंदर डर बैठाना चाहती थी, लोगों के अंदर टेरर बैठाना चाहती थी, एक डर बैठाना चाहती थी कि अगर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटीज होगी, हमारे लॉ के अगेंस्ट में कोई भी एक्टिविटी होती है, तो उसका सीधा सीधा जो रिजल्ट है वो डेथ है। और जलियांवाला बाग ने इस चीज को हमें बताया। सत्याग्रही वर फोर्स टू रब देयर द नोजेस ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट्स एंड डू द सलाम सैल्यूट टू ऑल द साहिब्स। क्या चाहते थे अंग्रेज? अब आपके सामने सवाल उठ गया कि सर अंग्रेज आखिर चाहते क्या थे, उन्होंने क्या किया ऐसा? उन्होंने एक डिमांड रखी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अंदर कि तुम जो इंडियंस हो वो किसी काम के नहीं हो, तुम सिर्फ गुलाम बनने के लिए ही पैदा हुए हो, तुम्हारा काम है अपनी नाक हमारे सामने रगड़ो और सभी साहिब्स को, यानी कि सभी ब्रिटिशर्स को सैल्यूट करो। ये उनकी थिंकिंग थी, ये उनकी सोच थी।
हमारे इंडियंस को लेकर के, और ये चीज हमें मंजूर नहीं थी, इसी चीज को लेकर के हमने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, कॉन्ट्रेस्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है अपनी एनसीईआरटी में, ये टॉपिक एक बार आप जरूर पढ़िएगा, वीडियो को देखिए, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल होता है तो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।